एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। मेरा नाम है नुसरत सना और इस वीडियो में हम कवर करेंगे करंट अफेयर्स। बट बिफोर दैट, इफ यू आर लुकिंग फॉर द इंग्लिश वर्जन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, यू कैन रेफर टू आवर न्यू चैनल जीके टुडे 2.0। द लिंक हैज बीन गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन रेफर टू इट फ्रॉम देयर। इसके अलावा जो भी हमारे हिंदी स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता दूं कि ये क्वेश्चंस जीके टुडे एंड्रॉइड एप्लीकेशन में चल रही हमारी डेली 20 एमसीक्यू सीरीज 2022 से लिए गए हैं। इसलिए अगर आप इन क्वेश्चंस को टेक्स्ट फॉर्म में चाहते हैं इसके एक्सप्लेनेशन और क्विज के साथ, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी इस डेली 20 एमसीक्यू सीरीज को, जो कि अवेलेबल है जीके टुडे एंड्रॉइड एप्लीकेशन पे। तो अब आपका ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। और आज हम डिस्कस करेंगे 19th ऑफ अगस्त के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। विच इंडियन स्टेट और द यूनियन टेरिटरी इंप्लीमेंट्स द मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना? तो कौन से स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी की ये स्कीम है? तो राजस्थान गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना को 2021 और 22 के लिए। और इस स्कीम के तहत जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स होते हैं उनको फ्री कोचिंग प्रोवाइड की जाती है फ्रॉम रेप्यूटेड कोचिंग इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो करेंट फाइनेंशियल ईयर के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने एलोकेट किए हैं 17.15 करोड़ रुपीस, और जो नंबर ऑफ सीट हैं इस स्कीम के अंदर में उसको भी इंक्रीज करके कर दी हैं 15,000। ठीक है, तो इसमें कौन से स्टूडेंट आते हैं? जो भी शेड्यूल्ड कास्ट से बिलोंग करते हैं या फिर शेड्यूल्ड ट्राइब से या फिर अदर बैकवर्ड क्लासेस से, इसके अलावा जो भी माइनॉरिटी के स्टूडेंट्स होते हैं, फिर इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस से, इसके अलावा जो भी स्पेशली एबल्ड होते हैं उनको भी। ओके, तो ये जो योजना है कुछ पर्टिकुलर स्टूडेंट्स को फ्री कोचिंग प्रोवाइड करती है प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में। आंसर हो जाएगा राजस्थान स्टेट की स्कीम है ये। नेक्स्ट है, विच इज द वेन्यू ऑफ द इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो? तो 23rd एडिशन इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो का कहाँ पे होगा? कोलकाता में। कब? फरवरी मंथ में 2023 के। ठीक है, तो ये जो सी फूड शो है इसको ऑर्गेनाइज करती है मरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, किसके साथ मिलके? इन कोलैबोरेशन विद सी फूड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो कहाँ पे कंडक्ट किया जाएगा? कोलकाता में। कब होगा? फरवरी में 2023 के। और कौन इसको ऑर्गेनाइज करता है? तो मरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, किसके साथ कोलैबोरेट करके? सी फूड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट है, विच स्पोर्ट्स बॉडी ऑफ इंडिया हैज बीन सस्पेंडेड बाय द ग्लोबल एपेक्स बॉडी फॉर अनड्यू इन्फ्लुएंस फ्रॉम द थर्ड पार्टीज? तो कौन सी स्पोर्ट्स बॉडी है इंडिया की जिसको कि जो उसकी ग्लोबल एपेक्स बॉडी है उसने सस्पेंड किया है ड्यू टू अनड्यू इन्फ्लुएंस फ्रॉम द थर्ड पार्टीज? तो हाल ही में फीफा ने जो है सस्पेंड किया है कंट्री के टॉप एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन को, दैट इज ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को। किस वजह से? बिकॉज ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस फ्रॉम द थर्ड पार्टीज। ठीक है, तो ब्यूरो ऑफ फीफा काउंसिल ने इस जजमेंट को पास किया है, और इसके बाद जो कंट्री का राइट था कि फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप इंडिया में होने वाला था, कब? अक्टूबर 2022 में, इसको भी इंडिया से छीन लिया गया है। ठीक है, तो अब जो है इंडिया इस इवेंट को होस्ट नहीं करेगा। फाइन, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? फुटबॉल। नेक्स्ट है, विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी पुलिस रिसीव द मोस्ट नंबर ऑफ अवार्ड्स ऑन द अकेजन ऑफ द इंडिपेंडेंस डे 2022? तो कौन से स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी की पुलिस है जिसने सबसे ज्यादा अवार्ड्स जीते हैं इंडिपेंडेंस डे के अकेजन पे? तो टोटल 1,082 पुलिस पर्सोनल को अवार्ड दिया गया पुलिस मेडल्स का ऑन द अकेजन ऑफ इंडिपेंडेंस डे, और 347 पुलिस पर्सनल्स को अवार्ड दिया गया था ये पुलिस मेडल बिकॉज ऑफ गैलेंट्री। ठीक है, और याद रखिएगा जम्मू कश्मीर पुलिस को मिले हैं टोटल 108 मेडल्स, और ये सबसे ज़्यादा हैं सारी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के बीच। ठीक है, इसके अलावा महाराष्ट्र स्टेट और छत्तीसगढ़ भी टॉप मोस्ट स्टेट्स में आते हैं जिनको सबसे ज़्यादा पुलिस मेडल मिले हैं गैलेंट्री में 2022 के लिए। फाइन, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर्ड एंटी पर्सोनल माइन? तो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने हाल ही में हैंड ओवर किया है इस डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर्ड एंटी पर्सोनल माइन को इंडियन आर्मी को। ठीक है, और इसी के साथ इन्होंने हैंड ओवर किया था फ्यूचरिस्टिक इन्फेंट्री सोल्जर एज अ
सिस्टम, जिसको हम FNSAS के नाम से भी जानते हैं, ये भी डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने इंडियन आर्मी को दे दिया है. फाइन. और इसका नाम क्या है? इस एंटी पर्सनल माइन का आंसर हो जाएगा निपुण. ठीक है. तो जो भी इंडिया की फर्म्स हैं वो इंडिजिनसली मैन्युफैक्चर करती हैं इन दोनों ही डिफेंस सिस्टम को. साथ ही याद रखिएगा जो AK-203 एजोल्ट राइफल्स हैं ये मैन्युफैक्चर की जाएंगी अमेठी में इन अ जॉइंट वेंचर बिटवीन इंडिया एंड रशियन एंटिटीज. ठीक है. तो ये कई बार इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कहाँ पे इसको मैन्युफैक्चर किया जाएगा, याद रखिएगा अमेठी में. नेक्स्ट है, विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी लॉन्च्ड द बथुकम्मा साड़ी स्कीम. अगर आप बथुकम्मा के बारे में जानते हैं तो आप बहुत इजीली इस क्वेश्चन का आंसर गेस कर पाते. बथुकम्मा एक फ्लोरल फेस्टिवल है, फ्लावर का फेस्टिवल है, जो कि तेलंगाना स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है. ठीक है. तो तेलंगाना गवर्नमेंट ने इस स्कीम को लॉन्च किया है जिसका नाम है बथुकम्मा साड़ी स्कीम. इसके अंदर में क्या होगा, जो स्टेट गवर्नमेंट है वो ऑर्डर प्लेस करेगी बथुकम्मा साड़ीज को बनाने के लिए. इसके अलावा बथुकम्मा की स्कूल यूनिफॉर्म्स भी बनाई जाएंगी और डिफरेंट तरह के अदर फैब्रिक भी डिज़ाइन किए जाएंगे फ्रॉम कोऑपरेटिव सोसाइटीज ऑफ वीवर्स और जो भी वहाँ पे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं वो भी. ठीक है. इसके अलावा तेलंगाना गवर्नमेंट ने हाल ही में लॉन्च की थी चेनेथा भीमा स्कीम. किस लिए? हैंडलूम और पावरलूम वीवर्स के लिए, ताकि उनको जो है लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड की जा सके. ठीक है. तो याद रखिएगा बथुकम्मा साड़ी स्कीम भी तेलंगाना की है और चेनेथा भीमा स्कीम भी तेलंगाना स्टेट की है. फाइन. नेक्स्ट है, द इंटरनेशनल सोलर अलायंस इज सेट टू एस्टैब्लिश अ सोलर प्रोजेक्ट इन विच कंट्री. तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस इन कोलाब्रेशन विद क्यूबा गवर्नमेंट, इन्होंने डिसाइड किया है कि ये सेटअप करेंगे 1150 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट कहाँ पे, क्यूबा कंट्री में. ठीक है. और स्टेट ओन्ड NTPC प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट रहेगी इस प्रोजेक्ट को सेटअप करने के लिए. तो ये जो प्रोजेक्ट है ये पार्ट है क्यूबा के प्लान का, जिसमें क्यूबा ने ये डिसाइड किया है कि ये इंप्लीमेंट करेंगे 2100 मेगावाट तक के सोलर प्रोजेक्ट को. ठीक है. और इसी के साथ ये पहला ISA का ब्रॉडर सोलर पार्क प्रोग्राम भी है. ठीक है. इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? गुरुग्राम, हरियाणा. क्या बता सकते हैं कि 101st कंट्री कौन सी है हमारे इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ज्वाइन करने के लिए? अपने जवाब आप जरूर कॉमेंट्स में लिखिएगा. नेक्स्ट है, विच इंडियन बैंक मैनेजेस इंडियन वीजा एप्लीकेशन सेंटर इन बांग्लादेश. तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है मैनेज करेगी इंडिया वीजा एप्लीकेशन सेंटर को बांग्लादेश में 2 और सालों तक. ठीक है. तो प्रेजेंट में अगर बात करें तो SBI रन करती है टोटल 15 इंडियन वीजा एप्लीकेशन सेंटर्स को बांग्लादेश में. और जो फर्स्ट IVAC था उसको स्टार्ट किया था SBI ने 2005 में ढाका सिटी में. ठीक है. तो ये जो एग्रीमेंट है कि इनका ऑपरेशन 2 और सालों के लिए एक्सटेंड किया जाएगा, इसको साइन भी कर दिया गया है. फाइन. तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. नेक्स्ट है, विलियम सैमुई अराप रूतो वॉज स्वर्न इन एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री. तो ये पहले डेप्यूटी प्रेसिडेंट थे कीनिया के सिंस 2013 और हाल ही में ये बन गए हैं प्रेसिडेंट कीनिया कंट्री के. ठीक है. तो बहुत ही कम मार्जिन से इन्होंने ये इलेक्शन जीता है, क्योंकि इनको टोटल मिले थे 50.49% वोट्स. ठीक है. तो ये जो 0.49 था इसी की वजह से ये विनर घोषित हुए और अब जो है ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि यहाँ पे लीगल बैटल छिड़ने वाली है. फाइन. याद रखिएगा कीनिया कंट्री में 2017 में जो प्रेसिडेंशियल वोट था उसको नलीफाई कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने. ठीक है. तो सिंपली आपको ध्यान में रखना है कि ये जो है प्रेसिडेंट बन गए हैं कीनिया कंट्री के. आपको कमेंट्स में लिखना है कि जेम्स नरापे कौन सी कंट्री के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं हाल फिलहाल. नेक्स्ट है, हु इज द फर्स्ट क्रिकेटर टू प्ले 600 मैचेस इन T20 क्रिकेट. ये है वेस्ट इंडीज के कैप्टन कीरोन पोलार्ड. ये जो है पहले ऐसे क्रिकेटर बन गए हैं जिन्होंने 600 मैचेस कंप्लीट किए हैं T20 क्रिकेट में. ठीक है. और कुछ दिनों पहले इन्होंने अपना रिटायरमेंट भी अनाउंस किया था इंटरनेशनल क्रिकेट से, कब? April 2022 में. ठीक है. इसके अलावा याद रखिएगा कि हाल ही में ऑलराउंडर ड्वेन ब्रेवो, इन्होंने एक हिस्ट्री क्रिएट की है और ये अब बन गए हैं पहले ऐसे क्रिकेटर जिन्होंने 600 विकेट्स क्लिंच किए हैं T20 क्रिकेट. तो यहाँ पे मैचेस की बात हो रही थी कि 600 मैचेस किसने खेले हैं और यहाँ बात हुई है 600 विकेट लेने की. ठीक है. नेक्स्ट है, ड्यूरेंट कप इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट. तो ड्यूरेंट कप एक ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट है एशिया का और ये जो है स्टार्ट हो गया है फिलहाल 16th of August 2022 से. तो जो ओपनिंग मैच था इसका कहाँ पे खेला गया? FC गोवा और मोहम्मदन
एससी के बीच कोलकाता में, और पहली बार ऐसा हो रहा है हिस्ट्री में इसकी कि ये जो टूर्नामेंट है ये मल्टीपल सिटीज़ में कंडक्ट किया जाएगा। कौन कौन सी सिटीज़ हैं? वेस्ट बंगाल, असम एंड मणिपुर। ठीक है, याद रखिएगा इसके अलावा कि इंडियन ऑयल जो है वो टाइटल स्पॉन्सर है इस टूर्नामेंट का, और जो प्रीवियस एडिशन था ड्यूरेंट कप 2021 वाला, उसको किसने जीता था? एफसी गोवन। फाइन, लेकिन अब जब फिर से ड्यूरेंट कप होने जा रहा है तो अब जो इसके विनर है वो आपको सिर्फ ध्यान में रखना है। ठीक है, जब तक कोई अगला इवेंट नहीं होता है तब तक हमें पुराना वाला ही याद रखना होता है, लेकिन जैसे ही अगला एडिशन हो जाता है उसके बाद हमें पुराना वाला ध्यान में रखने की जरूरत नहीं रहती। नेक्स्ट है, विच बैंक लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट डेडिकेटेड ब्रांच फॉर द स्टार्टअप्स इन द कंट्री इन बेंगलुरु? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में अनाउंस किया था कि ये लॉन्च करेंगे अपना पहला डेडिकेटेड ब्रांच स्टार्टअप्स के लिए इंडिया के अंदर बेंगलुरु सिटी में। ठीक है, और ये जो ब्रांच है ये स्पेशली स्टार्टअप्स के लिए ही डेजिग्नेट रहने वाली है, और ये जो है हर तरह से स्टार्टअप्स की नीड्स का ख्याल रखेगी और उनको हर उनके स्टेज पे हेल्प प्रोवाइड करेगी। ठीक है, तो ये जो बैंक है ये फंडिंग प्रोवाइड करेगा, साथ ही डिफरेंट तरह की अदर सर्विसेज भी देंगे ये, फॉर एग्जाम्पल इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, ट्रेजरी ऑपरेशंस, एडवाइजरी अपनी सब्सिडरीज की हेल्प से। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। याद रखिएगा कुछ दिन पहले SBI ने अपनी व्हाट्सएप बैंकिंग सर्विसेज भी लॉन्च की थी, राइट? तो ये थे आज के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और न्यूज़, और अब हम देखेंगे हमारा रिविजन सेक्शन। ठीक है, तो आज कौन सी तीन कैटेगरीज हम करने वाले हैं? सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट और रिसेंट न्यूज़ देखेंगे, उसके बाद सेकेंड हम कुछ इंपॉर्टेंट डेज और थीम्स देखेंगे, और फिर थर्ड हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स। ठीक है, यहाँ पे न्यूज़ की कैटेगरी अलग से क्यों है? क्योंकि कुछ ऐसी न्यूज़ कभी कभी होती हैं जो हम किसी भी कैटेगरी में फिट नहीं कर पाते हैं, तो उनको हम अलग से इस तरह से पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हैमलिन टोटा पोर्ट विच वॉज सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच कंट्री? तो चाइनीज सर्विलांस वेसल युआन वैंग 5 ने हाल ही में विजिट किया है हैमलिन टोटा पोर्ट को, जो कि कहाँ पे है? श्रीलंका में। ठीक है, और सिक्योरिटी कंसर्न्स के बाद श्रीलंका के प्रेसिडेंट रेनिल विक्रमे सिंघे ने ये बताया कि चाइना जो है अब अलाउ नहीं किया जाएगा कि वो इसको यूज कर सके फॉर मिलिट्री पर्पस। फाइन, निपम विच वॉज सीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विद विच फील्ड? तो निपम का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवेयरनेस मिशन, और ये किससे एसोसिएटेड है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ठीक है, और इसका एम क्या है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवेयरनेस को स्प्रेड करना, साथ ही बेसिक ट्रेनिंग भी देना। ठीक है, और ये किस वजह से न्यूज़ में था? क्योंकि हाल ही में इसने अपना एक गोल कंप्लीट किया है 1 मिलियन स्टूडेंट्स को ट्रेन करने का, और टारगेट था कि 1 मिलियन स्टूडेंट्स को हम ट्रेन करेंगे August 15, 2022 तक, लेकिन जो ये टारगेट था ये हमने डेडलाइन के पहले ही अचीव कर लिया, और हमने इसको अचीव किया July 31, 2022 तक। ठीक है, PFM-1 सीरीज बटरफ्लाई माइंस विच वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद विच कंट्री? ये किससे रिलेटेड है? रशिया से, और ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि रशिया इसको यूज कर सकता है अगेंस्ट यूक्रेन। ठीक है, और इसके अंदर में ये अपने साथ कंटेन करता है 40 ग्राम तक का एक्सप्लोसिव। जनजातीय महोत्सव विच वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी? ये महोत्सव स्पेशली झारखंड स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है, और कब सेलिब्रेट करते हैं? अगस्त मंथ में। डिफरेंट स्टेट से आर्टिस्ट यहाँ पे आते हैं पार्टिसिपेट करने, फॉर एग्जाम्पल झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मिजोरम, और जो भी अदर ट्राइबल डिनोमिनेटेड स्टेट्स हैं वहाँ से भी आर्टिस्ट यहाँ पे आते हैं। ठीक है, डोनिया पोलो एयरपोर्ट विच वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच स्टेट? ये एयरपोर्ट है अरुणाचल प्रदेश में, और ये अरुणाचल प्रदेश का तीसरा एयरपोर्ट है, जो कि कहाँ पे है? ईटानगर में। ठीक है, इसकी कैपिटल ईटानगर में। और रेस्ट टू एयरपोर्ट्स कौन से हैं? पासीघाट पहला और तेजू दूसरा। ठीक है, टर्मिनेटर टैंक सपोर्ट सिस्टम विच वॉज इन द न्यूज रिसेंटली वॉज डेवलप्ड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? इसको डेवलप किया है रशिया ने, और ये एक्चुअली रिप्लेसमेंट है इनके मर्चेंडाइज इन्फेंट्री ट्रूप्स का अर्बन बैटलफील्ड में। फाइन, नेक्स्ट हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डेज और थीम्स। वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? तो इसको हर साल हम ऑब्जर्व करते हैं 13th of August को। किस लिए? जो ऑर्गन फेलियर है वो बहुत ज़्यादा आजकल बढ़ता जा रहा है, तो इसकी वजह से लोगों को प्रमोट करने के लिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने ऑर्गन्स डोनेट करें। इंटरजनरेशनल सॉलिडारिटी क्रिएटिंग अ वर्ल्ड फॉर ऑल एजेस इज द थीम ऑफ
इज द थीम ऑफ विच इंटरनेशनल डे दैट इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट. तो ये इस साल की थीम थी इंटरनेशनल यूथ डे के लिए, जिसको हर साल हम मनाते हैं 12 अगस्त को. ठीक है, और इस साल इंटरनेशनल यूथ डे के लिए टॉपिक क्या चूज़ किया गया था? एजिज़म. ये क्या चीज़ है? ये एक्चुअली एक तरह की प्रैक्टिस है डिस्क्रिमिनेशन की, जो कि बेस होती है एजेस के ऊपर. ठीक है, तो इसको हम कब ऑब्जर्व करते हैं? 12 अगस्त को. और थीम थी ये वाली और टॉपिक था एजिज़म. वेन इज़ द वर्ल्ड लॉयन डे ऑब्जर्व एवरी ईयर? लॉयन डे हर साल हम ऑब्जर्व करते हैं 10 अगस्त को. और याद रखिएगा, जो लॉयंस हैं ये वल्नरेबल कैटेगरी में आते हैं IUCN की रेड लिस्ट में. ठीक है, आपको कमेंट्स में लिखना है कि जो स्नो लेपर्ड हैं ये IUCN रेड लिस्ट में कौन सी कैटेगरी में आते हैं. वेन इज़ द इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड्स इंडिजिनस पीपल्स ऑब्जर्व्ड? इसको हम ऑब्जर्व करते हैं 9 अगस्त को हर साल. और लगभग 476 मिलियन इंडिजिनस पीपल हैं पूरी दुनिया में, जो कि 90 कंट्रीज में फैले हुए हैं. वेन इज़ द वर्ल्ड बायोफ्यूल डे सेलिब्रेटेड? इसको हर साल हम मनाते हैं 10 अगस्त को. वेन इज़ द नेशनल हैंडलूम डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया? इसको हम हर साल सेलिब्रेट करते हैं 7 अगस्त को. हिरोशिमा डे इज़ ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द वर्ल्ड इन विच मंथ? इसको हम ऑब्जर्व करते हैं अगस्त मंथ में. और अगर स्पेसिफिकली डेट की बात करें तो 6 अगस्त को. ठीक है, किस लिए? टू कमोमरेट द एटॉमिक बॉम्बिंग ऑफ हिरोशिमा जापान. कब हुई थी? 1945 में, जब वर्ल्ड वॉर टू खत्म हो रहा था. ठीक है, याद रखिएगा, 2 एटम बॉम्ब हिरोशिमा और नागासाकी पे डाले गए थे. जो हिरोशिमा पे गिरा था उसका नाम था लिटिल बॉय, और जो नागासाकी पे गिरा था उसका नाम था फैट मैन. ठीक है, इसी के साथ हम नागासाकी डे कब ऑब्जर्व करते हैं? 9 अगस्त को. इसको 6 अगस्त को. ठीक है, वेन इज द मुस्लिम वुमेन्स राइट्स डे ऑब्जर्व? इसको हम ऑब्जर्व करते हैं हर साल 1 अगस्त को. ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स रिलेटेड करंट अफेयर्स. मनीषा कल्याण, हु वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली, इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स? मनीषा कल्याण रिलेटेड हैं फुटबॉल से. और ये किस वजह से न्यूज़ में थी? क्योंकि हाल ही में ये बनाई गई हैं AIFF वुमेन्स फुटबॉलर ऑफ द ईयर. ठीक है, और अगर हम मेंस कैटेगरी की बात करें कि AIFF मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर कौन बना है, आंसर हो जाएगा सुनील छेत्री. रूबल चौधरी, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन एथलीट टू विन 2 मेडल्स एट द वर्ल्ड Under-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप, प्लेज विच स्पोर्ट? तो इन्होंने 2 मेडल जीते हैं वर्ल्ड Under-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में, और ये कौन से स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड हैं? आंसर है रिले एंड स्प्रिंट. ठीक है, तो इन्होंने जो है सिल्वर मेडल क्लिंच किया था 4x400 meters रिले में, और इसके अलावा इन्होंने ब्रोंज जीता था वुमेन्स 400 meters में. ठीक है, और ये वाली चैंपियनशिप हुई कहाँ पे थी? कोलंबिया में. वी प्रणव, हु वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली, इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? ये एसोसिएटेड हैं चेस से, और हाल ही में एक रोमानिया का टूर्नामेंट जीत के ये बन गए हैं 75th ग्रैंड मास्टर इंडिया के. और याद रखिएगा, कौन से स्टेट से हैं? तमिलनाडु से. और तमिलनाडु से ये 27th ग्रैंड मास्टर हैं. ठीक है, तुलिका मान एंड सुशीला लिकमाबांग, हु क्लिंच द मेडल्स फॉर इंडिया, प्ले विच स्पोर्ट? ये हैं एसोसिएटेड जूडो के साथ. ठीक है, तुलिका मान की बात करें तो इन्होंने जीता था सिल्वर मेडल इन 78 kg कैटेगरी. सुशीला लिकमाबांग की बात करें तो इन्होंने जीता है सिल्वर मेडल इन वुमेन्स 48 kg कैटेगरी. और इन दोनों नाम के अलावा एक और नाम है जूडो से, क्या नाम है ये? विजय कुमार यादव. इन्होंने जीता है ब्रोंज मेडल मेंस 60 kg कैटेगरी में. तेजस्विन शंकर बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन अ मेडल इन द कॉमनवेल्थ गेम्स इन विच स्पोर्ट? तो ये पहले ऐसे इंडियन हैं जिन्होंने मेडल जीता है हाई जंप में, और कौन सा मेडल जीता है? ब्रोंज. ठीक है, अचिंता श्योली, हु क्लिंच द गोल्ड मेडल फॉर इंडिया इन कॉमनवेल्थ गेम्स 2022, इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? ये रिलेटेड हैं वेट लिफ्टिंग से, और इन्होंने ये गोल्ड मेडल जीता है 73 kg की कैटेगरी में. जेरमी लालरन नुंगा, हु वन द गोल्ड मेडल इन द कॉमनवेल्थ गेम्स, प्लेज विच स्पोर्ट? ये रिलेटेड हैं वेट लिफ्टिंग से, और इन्होंने गोल्ड जीता है 67 kg की कैटेगरी में. ठीक है, कौन से स्टेट से ये बिलोंग करते हैं? आंसर हो जाएगा मिजोरम. फाइन, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं. तो अब आ जाते हैं आपके क्विज पे. ये 5 क्वेश्चंस हैं जिनको आपको ध्यान से पढ़ना है, और इसका जवाब आपको कमेंट्स में लिखना है. तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए, एक एक करके ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए. जो भी आपको आते हैं वेल एंड गुड,
जो नहीं आते हैं कोई भी बात नहीं, विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इम्प्रूव करेगा, बस आपको कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताएगा कॉमेंट्स में, साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं, हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू जीके टुडे। विद दिस मीनू हत्सना साइनिंग ऑफ।